वहां से एक व्यक्ति जिसका नाम हरजीत मसी है वो आया और उसने ये कहा कि हम 40 लोगों को आईएसआईएस के लोगों ने बंधक बना लिया था, 39 लोग मेरे सामने मार दिए गए और मैं अकेला वहां से बच निकला। मैंने अपने एम्बेसी को कहा कि ये कह रहे हैं कि मोसुल से अरबिल जाते हुए एक जंगल में हमको मार दिया, तुम पूरे मोसुल में चप्पा चप्पा छान मारो, मोसुल के आसपास भी 100 किलोमीटर तक छान मारो, कहीं तो 39 लाशें पड़ी मिलेंगी, और अगर लाशें भी ठिकाने लगा दी तो खून के धब्बे होंगे। आखिर 39 लोगों को गोली मार के कोई मार दे तो वहां तो पूल ऑफ ब्लड होना चाहिए, वो मिलेगा। तीसरा, मैंने कहा कि आईएसआईएस वालों की एक आदत है, जब वो किसी एक देश के नागरिकों को बड़ी संख्या में मारते हैं तो उसकी सूची निकालते हैं, देखो कोई सूची निकली है क्या। चौथा, मैंने कहा कि वो इतने निर्दयी हैं कि वो तस्वीरें भी उनका वीडियो बना के बताते, कोई वीडियो है क्या। अध्यक्ष जी, ना तो हमें कहीं लाशें मिली, ना हमें कहीं खून के धब्बे मिले, ना कोई सूची सामने आई और ना कोई वीडियो तस्वीर का सामने आया। अध्यक्ष जी, बिना ठोस सबूत के किसी को मरा हुआ घोषित करना पाप है और ये पाप मैं कभी नहीं करूंगी।